प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही भाषा बोलने में सक्षम है। दूसरा कोई प्राणी भाषा नहीं बोल सकता, बस आवाजों के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है व हाथी चिंघाड़ता है। पशुओं की ये आवाजें भाषा नहीं है, ये केवल ध्वनियां हैं। बच्चों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपने घर परिवार, पड़ोस, रिश्तेदारों, दोस्तों, विद्यालय आदि सभी स्थानों पर बोलकर या लिखकर अपने विचारों को समझाना तथा स्वयं दूसरों के विचारों को समझना होता है। इसके लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा क्या है? चलिए आज भाषा के बारे में जानेंगे। अगर हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसे सुनें और सुनने के बाद उसे बोलने का प्रयास करें। जब हम किसी भाषा को सुनकर समझने व बोलने लगते हैं, तो उसे पढ़ना व लिखना आसान हो जाता है। बच्चों, भाषा को सीखने का भी यही सही तरीका है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अभी मैंने आपको भाषा को सीखने का तरीका बताया, सुनकर, बोलकर, पढ़कर व लिखकर। इन चारों तरीकों के माध्यम से भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना अर्थात लेना, प्रदान का अर्थ होता है देने की क्रिया या भाव, या यूं कहें लेन देन। अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। आज का हमारा प्रश्न भी यही था कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, मैंने भाषा को याद करने के लिए आपके लिए एक राइम बनाई है, आइए उसको पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलेंगे सभी, अपने उज्जवल भविष्य की करते हैं सब आशा, विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं सब भाषा। एक बार और दोहराएंगे, अपने उज्जवल भविष्य की करते हैं सब आशा, विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं सब भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना तथा विद्यार्थियों द्वारा उसे सुनना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप सभी सुनकर मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपनी बात को बोलकर दूसरों को बताता है और दूसरे उसकी बात को सुनकर उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। इसी तरह मौखिक भाषा के और भी उदाहरण हैं, जैसे वाद विवाद, बातचीत तथा भाषण, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। मौखिक भाषा की एक विशेषता यह भी है कि यह भाषा का मूल रूप है। अब हम भाषा का दूसरा रूप पढ़ेंगे, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को पत्र या लेख द्वारा संदेश देना। वर्तमान समय में मोबाइल फोन और इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था और पत्र
के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता था, तो पत्र लेखन लिखित भाषा का ही रूप है। इसी तरह समाचार पत्र, विज्ञापन, ईमेल, पुस्तक आदि भाषा के लिखित रूप हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। बच्चों, जब हम भाषा को लिखित रूप दे देते हैं तो हम उसे लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं और इसी के कारण ही आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान को पहुंचाना संभव हो पाया है। इन दो रूपों के अलावा भी भाषा का एक रूप और होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए चौराहे पर खड़े सिपाही द्वारा हाथ के संकेत से रुकने या चलने के लिए कहना। दूसरा उदाहरण है कक्षा में अध्यापक द्वारा मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना। ये सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। परंतु संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कुछ सीमा तक ही समझाया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं। इसीलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। बच्चों, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाषा का एक रूप लिखित भाषा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये सब कैसे संभव हुआ। अब हम ये जानेंगे कि भाषा का लिखित रूप सामने कैसे आया। भाषा का लिखित रूप लिपि के माध्यम से हमारे सामने आया। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ण कहा गया। इन्हीं चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब लिपि को कैसे परिभाषित करेंगे? लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बच्चों, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है क्योंकि यह जैसे बोली जाती है उसी तरह लिखी भी जाती है। अन्य भाषाओं की भी अपनी अपनी लिपियां हैं, आइए उनके बारे में जानेंगे। संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। बच्चों, इनके अतिरिक्त भी भारत विश्व में अनेक भाषाएं हैं और उन सब की भी अपनी अपनी लिपियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने भाषा को पढ़ा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा यह भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे।